जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें। पेपराजी को देख भड़क उठी परिणीति चोपड़ा, बोली, मैंने आपको नहीं बुलाया। पीछा करने पर हाथ जोड़कर कहा, बस कीजिए प्लीज। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में है। इस बीच परिणीति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वह पेपराजी पर भड़कती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में परिणीति अपनी कार से जल्दबाजी में बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। जैसे ही एक पेपराजी ने उन्हें बुलाया, वह कहती है, नहीं बुलाया मैंने आपको यार। फिर वो तुरंत अंदर चली जाती है। पेपराजी उनके पीछे जाते हैं तो फिर परिणीति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर बस कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बस कीजिए सर। परिणीति चोपड़ा और आप सांसद राघव चड्ढा की शादी इसी महीने 24 सितंबर को राजस्थान के उदयपुर में होगी। शादी का पूरा फंक्शन उदयपुर के लीला पैलेस में रखा गया है। दोनों की शादी का कार्ड भी सामने आ चुका है। 23 सितंबर से शादी की रस्में शुरू हो जाएगी। ये रस्में सुबह 10 बजे चूड़ा सेरेमनी से शुरू होगी। इसके बाद दोपहर में लंच, फिर उसी शाम संगीत सेरेमनी होने वाली है, जिसकी थीम 90 बेस्ड होगी। 24 सितंबर को राघव चड्ढा बारात लेकर लीला पैलेस पहुंचेंगे और शाम 4 बजे राघव परिणीति अपने परिवार की मौजूदगी में सात फेरे लेंगे। राघव और परिणीति की सगाई 13 मई को दिल्ली के कैनॉट प्लेस स्थित कपूरथला हाउस में हुई थी। सगाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, शिव नेता आदित्य ठाकरे सहित कई बड़े लोग शामिल हुए थे। बहन की सगाई के लिए ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी पहुंची थी। परिणीति और राघव ने लंदन से पढ़ाई की है। परिणीति ने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल के पढ़ाई की है, जबकि राघव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तभी से एक दूसरे को जानते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा जल्द ही दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म चमकीला में नजर आएगी। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित यह फिल्म पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की जिंदगी पर बेस्ड है। फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। नजर डालते हैं एक और फिल्मी खबर पर। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई भाग्यश्री, शिल्पा शेट्टी, शत्रुघ्न सिन्हा, उर्वशी रौतेला समेत कई सेलेब्स दिखे। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार को कई दिग्गज अभिनेताओं को देखा गया है। बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, जूही चावला, भाग्यश्री, शिल्पा शेट्टी और उर्वशी रौतेला एयरपोर्ट पर नजर आई। वहीं जूही चावला काफी सिंपल लुक में दिखाई दी। जूही ने येलो और व्हाइट सलवार सूट पहना हुआ था, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। एक्ट्रेस ने एयरपोर्ट पर पेपराजी को नमस्ते किया और बोला कि वो खुश है कि आज भी लोग उन्हें नमस्ते बोलते हैं। फिल्म मैंने प्यार किया से हिट होने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री को भी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। इस दौरान उन्होंने प्रिंटेड आउटफिट पहना हुआ था। फ्लोरल टॉप और मैचिंग ट्राउजर में भाग्यश्री बेहद खूबसूरत लग रही थी। शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सूखी के प्रमोशन में बिजी है। हाल ही में एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां वह काफी स्टाइलिश लुक में दिखाई दी। एक्ट्रेस ने ब्लू व्हाइट टॉप के साथ पिंक एंड व्हाइट प्रिंटेड स्कर्ट पहनी थी। शिल्पा ने स्माइल करते हुए पेपराजी को पोज भी दिए। उर्वशी रौतेला को एयरपोर्ट पर स्पोर्टी लुक में देखा गया। उन्होंने ब्लू स्पोर्ट्स टॉप के साथ मैचिंग पैंट पहना था। इसके साथ उन्होंने ब्राउन सनग्लासेस भी लगा रखे थे। उर्वशी ने एयरपोर्ट पर फैंस के साथ सेल्फी भी ली। नजर डालते हैं एक और फिल्मी खबर पर। सीजी के सटोरिये की शादी में बॉलीवुड तड़का। सौरभ की महफिल में सनी लियोनी, नेहा कक्कड़ सहित दर्जन भर फिल्मी सितारे ईडी कर रही है तलाश। दरअसल ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चलाने वाले सौरभ चंद्रागर की शादी का वीडियो सामने आया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्रागर इन दिनों ईडी के रडार पर है। दुबई में बैठकर सौरभ अपने साथी रवि उप्पल के साथ ऑनलाइन सट्टे का धंधा चला रहा है। हवाले के जरिए कई 100 करोड़ रुपयों का हेरा फेर होता है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम उसे ढूंढ रही है। एक दिन पहले शुक्रवार को ही रायपुर, कोलकाता,
भोपाल मुंबई के अलग अलग ठिकानों में छापेमारी के बाद 417 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। परिवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि सौरभ चंद्राकर ने फरवरी में शादी की, इसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हवाला के जरिए यह पैसे इवेंट कंपनी और बॉलीवुड सितारों तक पहुंचाया। शादी में सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, एली एवराम, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल दादलानी, टाइगर श्रॉफ, भाग्यश्री, पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक जैसे दर्जन भर बॉलीवुड सितारों ने परफॉर्म किया था। मोस्ट वांटेड सटोरिया सौरभ चंद्राकर इस वीडियो में हाथों में मेहंदी सजाकर अपनी दुल्हन के साथ नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इसकी शादी और रिसेप्शन के कार्यक्रम में डांस किया, गाने गाए। खबर है कि इन सभी को हवाला के जरिए मोटी रकम ट्रांसफर की गई। इसी की जाँच भी अब ईडी कर रही है। सूत्रों की माने तो इन सेलिब्रिटीज पर कार्रवाई का शिकंजा ईडी कस सकती है। दुबई के आलिशान होटल में यह शादी मुंबई की इवेंट कंपनी R1 इवेंट ने आयोजित करवाई। मुंबई में इस कंपनी के दफ्तर में भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की। पता चला कि इस कंपनी को सौरभ चंद्राकर ने अवैध तरीके से हवाले में जरिए 112 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। 42 करोड़ रुपए की होटल की बुकिंग भी की थी। प्राइवेट जेट के जरिए परिजनों को दुबई पहुंचाया गया और ऑनलाइन सट्टे के पैसे से यह आलिशान शादी की गई। शुक्रवार को आधिकारिक बयान में परिवर्तन निदेशालय की ओर से कहा गया कि सौरभ चंद्राकर और उसके गुर्गों तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दुबई में भी ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, चंद्राकर को पकड़ा जा सके। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV अब डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। पर फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।